ओम शांति। आज 19 जून 2022 है और आज अव्यक्त बाप दादा के दो अव्यक्त मुरलियों को हम सुनेंगे। प्रथम मुरली बाबा ने सुनाई है 6 अप्रैल 1991 को, जिसके टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं महारथी बच्चों से, कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसे ही अनुभव बढ़ता रहे। किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बंध रहा है, तो किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारे पन रहे। बाबा, शिव बाबा अपना मिसाल बताते हैं, जैसे मैंने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारे पन रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का अर्थात कर्म करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो। कर्म के स्पर्श से न्यारा मन, कर्म किया ये फीलिंग न हो, और जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो। कितनी गहरी बात बाबा ने सुनाई है। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। कर्म जैसे किया ही नहीं मैंने, ऐसे कर्म के स्पर्श से न्यारे होना अर्थात बाबा उसको स्पष्ट करते हैं, जैसे दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बने, इस कर्म करने के लिए मैं निमित्त बने, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारा, वहां भी मैंने किया ये फीलिंग ना आए, उससे भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। बाबा कहे ऐसा कर्मातीत स्थिति स्वयं में फील होती है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना, जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते हुए महारथी भाई बहनों से कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा एकदम साकार स्वरूप में स्पष्ट थे और न्यारा और प्यारा थे, ऐसे बाबा कहे ब्रह्मा बाबा की तरह स्थिति अनुभव होती है। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। मेन बात कर्म में अंतर इसलिए है क्योंकि स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, इतना लाइट और डिटैच्ड कि करने के बाद भी ये फीलिंग ना आए जैसे कि कुछ किया है। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे जैसे कि कराने वाले ने करा दिया। बाबा कहे ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है।
जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। ये बाबा कहे अनुभव होना चाहिए, कर्म अपने तरफ आकर्षित न करे और मालिक बन करके जैसे कर्म किया न्यारा, निमित्त बन करके कर्म किया और न्यारा। आत्मा के हल्केपन की निशानी, तन से हल्का मन से हल्का, तो आत्मा के हल्केपन की निशानी आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएगी, संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति में अनुभव कराएंगे। मन हल्का माना संकल्प बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएगा, जिसमें कोई व्यर्थ ना हो, कोई भारीपन ना हो। फिर बुद्धि, बुद्धि से हल्का माना बुद्धि की निर्णय शक्ति ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं। और कोई भी संस्कार माना पुराना संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा, जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। बहुत ऊंची बात बाबा ने बताई, जैसे कि मेरे संस्कार नहीं लेकिन बाबा के संस्कार कार्य कर रहे हैं। यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो है तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से मुख से यही निकलेगा, बाबा कहे सबके दिल से मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे हैं, न्यारे और प्यारे। जैसे दुनिया में कोई बच्चा एकदम पिता के जैसे ही सब कुछ कर रहा हो तो कहते हैं ना, ये तो जैसे इसके बाप जैसा था वैसा ही बच्चा है। फिर बाबा ने एक और अटेंशन की बात खिंचवाई है, क्योंकि क्यों हल्केपन की बात बाबा ने की, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जैसे जैसे समय देखते जाते हैं कि बाहर के वातावरण में इतना नेगेटिविटी का भारीपन है, जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे, अर्थात हल्के होते जाएंगे। अनन्य बच्चे यानी महारथी बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट हल्का होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। फिर बाबा कहे जो नेगेटिविटी है वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे, प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा, इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा सब ठीक चल रहा है, बाबा ने विशेष दादी जी की ओर देखते हुए कहा, सब ठीक चल रहा है ना, कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो सुनते हो तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है, कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है, सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा तो ये थी महारथी भाई बहनों के साथ की बाबा की मुलाकात। उसके बाद 10 अप्रैल 1991 की बाबा की मधुर मुरली सुनेंगे। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो
और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक है। 21 जन्म बाबा ऐसे विश्व के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। जो भी परमात्मा के बच्चे बने तो बाबा किस रूप में देखते हैं, वो मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो, अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है, एक है बालकपन का ईश्वरीय नशा और दूसरा है स्वराज्य के मालिकपन का नशा। तो बाबा कहे डबल नशा अनुभव करते हो। नशे की निशानी क्या होगी? नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुशनसीब आत्माएं समझते हो। अगर नशा है तो खुशी है, तो बाबा कहे खुशी जिसके जीवन में हो कलयुग के अंदर, तो खुशनसीब आत्माएं हो गई। तो सदा अपने को विश्व में खुशनसीब आत्माएं समझते हो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो, साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है? ऐसे बाबा कहे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन, जो खुश नसीब आत्माएं हैं, जो सदा खुशी का महादान दे सकती है, तो उसका जीवन तो हीरे तुल्य होगा। तो बाबा कहे ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या अभी बनना है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलते रहना, ऐसे ब्राह्मण होना। सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? ब्राह्मणों का जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, तो बाबा ने जैसे हर एक बच्चे को अपने भाग्य की श्रेष्ठता बताई कि कितने खुश नसीब है इस संसार के अंदर हम, फिर बाबा विशेष अब जो बाबा ने चेक किया बच्चों का वो था पुण्य का खाता। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं, खाली 21 जन्म के लिए नहीं, लेकिन हमारा पुण्य का खाता द्वापर के बाद भी चलता है। तो इसीलिए बाबा कहे अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। अब क्या अंतर है? दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है लेकिन दिल से होता है। दान
दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना, फिर पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती है। नेचुरल है, जो आवश्यकता के समय पर मददगार हो जाता है तो उनको दिल की दुआएं मिलती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। उनके थैंक्स कहने में भी जैसे गुप्त दिल की दुआएं जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा और क्या प्राप्त करता है? पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। जैसे उनका खजाना इस समय भी भरपूर होता है। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। माना वो जैसे किसी को दृष्टि देते हैं तो उसमें भी किसी के लिए उनकी दृष्टि में वो दुआएं प्राप्त हो जाती है, अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है। इतना जमा का खाता उसके पास है जैसे कि वो ऊपर उठ गए, तो अभिमान और अपमान न अभिमान दिखाता है किसी के सामने और न अगर किसी ने अपमान किया तो उस अपमान को फील करता है क्योंकि वो ऊपर है। तो इसलिए बाबा कहे पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है क्योंकि वह भरपूर बादशाह है, अंदर से भरपूर बादशाह है, अभिमान और अपमान से बेफिकर बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है तो जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। पुण्य मेरे पास जमा है उसकी निशानी कि मन में व्यर्थ नहीं चलेगा किसी के प्रति भी, न स्वयं के प्रति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। जिसके व्यर्थ की समाप्ति हो गई हो तो वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहां तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हां जी कहेंगे ना, है भी सभी पुण्य आत्मा। दुनिया के हिसाब से तो बाबा के सब बच्चे है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबर वार है कि सब नंबर वन है, नंबर वार है ना। सत्युग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे नहीं, तो नंबर वार है ना, नंबर वार ही बैठेंगे तो नंबर वार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? अब बाबा उसका कारण बताते हैं। नंबर वन में जाने का आधार क्या है? नंबर क्यों बनते हैं? कारण बताते बाबा। एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर वन बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में, क्योंकि 91 का वर्ष तपस्या वर्ष था तो इसीलिए बाबा कहे अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, सेंटरों पर सभी स्थानों पर लगाते भी हो, वह है सुख दो
और सुख लो, दुख न दो न दुख लो, ये स्लोगन है। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? अब बाबा रिजल्ट बताते कि क्या देखा बाबा ने। दुख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, वो किसी को जान करके कभी दुख नहीं देंगे। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं उसने दिया इसीलिए हुआ, इसने ये कहा इसने ये कहा इसलिए ये हुआ, ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। ये तो ठीक है देना नहीं है, और उसको अंडरलाइन भी बाबा करा रहे हैं, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है। लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? कितनी सुंदर बात बाबा कहते हैं, उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है? पूछते बाबा, बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से? तो न दुख दो न दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तपस्या है ये परिवर्तन के लिए। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। माना कितनी ऊंची बात बाबा ने कही, दुख को भी सुख में परिवर्तन करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानी को प्रशंसा समझो, ग्लानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा मां ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानी के दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानी वाले को दिल से गले लगाओ, ग्लानी वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है, ये नंबर बना देती है, जो पुण्य के खाते को जमा होने नहीं देता। इसलिए बाबा कहे, ये बाबा चेक कर रहे थे। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है, मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेगा? जहां अच्छी चीज नहीं है दुख लेना, तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेगा? बहुत सुंदर बात कही, पाप के अंश रूपी जम्स, पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए, ऐसे पुण्यात्मा बाबा के बनना है। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूढ़ियां तो सभी करते हैं ना, एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता? जो कहते हैं हो गया, और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए,
लेकिन होता है ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो, तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। देखो बाबा ने कितनी सूक्ष्म पुण्य आत्मा की निशानी बताई, जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती है, बोलने में इतने इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। बाबा कहे ऐसे इंटरेस्ट वाली कहानी बताते हैं जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते हैं, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। बाबा कहे लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुकड़ी है, लास्ट टर्न था सीजन का, तो बाबा कहे इस मिलन की अंतिम टुकड़ी है ना, सभी टुकड़ी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं, तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। कुछ प्राप्ति का स्वार्थ होता है और कुछ स्वाहा करते हैं, तो बाबा कहे दोनों से संकल्प करते हैं, तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो। अब बाबा संकल्प दे रहे हैं, तपस्या वर्ष में संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी, ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना, ये ऐसा हो गया, वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे, अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं, टीचर्स के आते या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप दादा के पास प्राइस बहुत है, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर है। अच्छा, फिर बाबा कहे सभी मेले में पहुंच गए हैं, मेला अच्छा लगता है कि तकलीफ हुई? क्योंकि लास्ट टर्न होने के कारण इतने भाई बहने पहुंच गए थे, तो बाबा कहे जैसे मेले में पहुंच गए हैं, तो मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? कितना बाबा जैसे बच्चों के खैराफत पूछते हैं कि कितना खुश खैराफत है, तो ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना? 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? इतना बड़ा हॉल जो बनाया है, तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना? नेचुरल है ओम शांति भवन, उस समय इतना बड़ा लगता था, तो बाबा कहे इतना बड़ा हॉल जो बनाया, तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना? हॉल को सफल किया ना?
किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना। लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की मुलाकात दादियों से है, तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। इसके लिए शुक्रिया क्या करे, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। कितना बाबा जैसे रियलाइज करा रहे हैं, बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुना से भी ज्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, दादियों की महारथियों की छोटी माला मजबूत है। कंगन तो बना ना, माला तो नहीं बने, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है, आठ की माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, माला भी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार है, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मणकों के गले में पिरोई हुई है, विजय का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश है, पदम गुना मुबारक है, निमित्त तो आप है ना। बाप तो करावनहार है, करने वाला कौन है, दादियां ही है, उस समय तो थी, तो इसीलिए बाबा कहे, बाप तो करावनहार है, करने वाले कौन है, करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीत की रीत भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। बाबा के साथ प्रीति की रीत भी निभाई और फिर बच्चों की पालना करने की रीत भी अच्छी निभाई। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं, उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए सत वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है, बाबा कहे, यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, दृढ़ता की धारणा की धरनी ठीक नहीं है, या अटेंशन की परहेज में कमी है। आज का स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो।
दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.